when we were discussing the types of design, in which we discussed true experimental design and different types of designs within, between and like that. And Kaji experimental design was one of them. And at that juncture, we could know that the only difference is between Kaji experimental design and true experimental design is the controlling aspect. मतलब यदि हम controlling aspect को थोड़ा शिथिल करते हैं, randomization वगैरह को शिथिल करते हैं, तो जैसे अभी पिछला जो design हम लोगों ने किया, pre-test, post-test, control group design, उसमें ही यदि कुछ स्टेप्स को कंप्रोमाइज कर लें तो वो काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो जाएगा. सो काजी एक्सपेरिमेंटल इज नॉट ए पर्टिकुलर डिजाइन. आप ऐसे समझिए कि काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हर वो डिजाइन जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का पार्ट है, यदि रैंडमाइजेशन को सेक्रीफाइस करता है, कुछ कंट्रोलिंग एस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करता है, तो क्या हो जाता है? काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. सो काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज लाइक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, बट इट डज नॉट अप्लाई कंट्रोल ओवर द असाइनमेंट ऑफ सेलेक्टेड रैंडमली. मतलब यदि हम जाने कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, तो ये कि दिस सेक्रीफाइस क्या randomization. So randomization is not followed. It has its merit as well as, क्योंकि randomization के process को करने में बहुत time और cost की जरूरत पड़ती है. यदि हमको उतने की जरूरत नहीं है तो फिर हम काजी experimental design जो comparatively easy है, उसके steps comparatively easy हैं, apply कर सकते हैं. तो major difference is only of subject selection randomly, which is being sacrificed in Kaji experimental design. The major deviation of Kaji experimental design from the true experimental design is the application of randomization, as we have just come to know. Pre-test, post-test design, जो भी हमने discuss किया, वो उसी को यदि हम randomization को सेक्रीफाइस कर दें या रेंडमाइजेशन को फॉलो नहीं करें, तो वो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो जाएगा. सो नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, मतलब वहां नाम दिया था, रेंडमाइज नहीं भी था तो अंडरस्टूड था. यहाँ क्या दे रहा है? नॉन रेंडमाइज्ड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, non-randomized pre-test post-test control group. वहां control group मतलब वहां ये नहीं था, नन की जगह पर randomized था, mention नहीं भी था तो उसमें था. यहां इसको हम नाम दे सकते हैं non-randomized pre-test post-test control group design. मतलब पहले वाले जो भी हमने just pre-test post-test कंट्रोल ग्रुप डिजाइन को डिस्कस किया, उसमें से यदि रैंडमाइजेशन को हटा दें, देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन रैंडमाइज्ड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, एंड दैट इज वन ऑफ द काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. एज वी नो, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन इज अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. The only difference in the Kaji experimental design is that the groups are not randomized. Due to this departure from randomization, the groups are unlikely to be comparable. अब इसका limitations भी हो गया, क्योंकि आपने शुरू में randomize नहीं किया है तो आप equivalence का दावा नहीं कर सकते हैं. हालांकि pre-test इसमें है, control group भी, experimental group भी है, उसका photo भी हम लोग बनाएंगे, diagram बनाएंगे, which is very similar. एक step हटा हुआ है. So शुरू में चूंकि randomization हटा है तो इसका एक limitations बड़ा आ गया,
लेकिन मेरिट ये आ गया कि उसकी तुलना में कम कॉस्टली हो गया, उसकी तुलना में इजी स्टेप्स हो गए, इसको इम्प्लाई करना इजी हो गया। वैसे कंडीशंस में जहां हमको ज़्यादा सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा ही इम्प्लायबल है। तो इस तरह से यू कैन कंपेयर। इनफैक्ट रैंडमाइजेशन इज द बेसिस और ग्राउंड हुज सेक्रीफाइस मेक्स द कैजी एक्सपेरिमेंटल एंड नॉट द ट्रू एक्सपेरिमेंटल। सिर्फ रैंडमाइजेशन सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब वो कैजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया, बाकी चीजें सेम रहे। एज द रेस्ट ऑफ द डिजाइन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम विथ दैट ऑफ द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप प्रीटेस्ट पोस्टेस्ट डिजाइन ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैटेगोरी इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस आर सिमिलर। मतलब और बाकी चीजें तो जो मेरिट्स है इसका रहेगा, सिर्फ रैंडमाइजेशन को सेक्रीफाइस कर दिया। सो कैजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन हो सकते हैं, जिसमें से एक ग्रुप का हमने एग्जाम्पल लिया, एक डिजाइन का एग्जाम्पल लिया, दैट इज नन रैंडमाइज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ फिगर जैसा उसका बनाया था, ग्रुप्स, यहाँ ग्रुप्स लिखा था हम लोगों ने, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ प्री टेस्ट लिखा था, यहाँ भी प्री टेस्ट, यहाँ हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा था, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पोस्ट टेस्ट लिखा था, यहाँ भी लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल लिया था, यहाँ भी एक्सपेरिमेंटल, यहाँ भी ग्रुप, इसको भी, इसका भी वाई वन है, इसका भी वाई वन है, आप चाहे तो यहाँ ई कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए, इसको ट्रीटमेंट सिर्फ देते हैं, सॉरी ट्रीटमेंट को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं, हम लोगों ने शुरू में प्रोसेस को डिसाइड किया था, तो ये, और इसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। और फिर ये वाई टू, ये वाई टू, आप चाहें तो इसको भी सी लिख दे, इसको भी, इसको ई लिख दे, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। वैसे जनरली ये लिखता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखे वाई, मतलब दोनों को ये, सो दैट यू कुड डिफरेंशिएट हाउ वाई वन एंड वाई टू, वाई वन एंड वाई वन ई और वाई वन सी इज डिफरेंट, समझाने के लिए। अदरवाइज जो डिजाइन का डायग्राम आप देखेंगे उसमें यह नहीं। और अंत में हमने आपसे क्या कहा कि एच द रेस्ट ऑफ द डिजाइन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसका रेंडमाइजेशन छोड़ के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसा ही है जैसा पिछले प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन का था, लिहाजा उसके बाकी जो मेरिट्स एंड लिमिटेशंस है वो भी इसके साथ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कैजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन विच वी कुड अंडरस्टैंड दैट there are many kaji experimental designs, it is one of them. If we sacrifice randomization from true experimental design, it becomes kaji experimental design. Hopefully you have understood.